हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विथ मी प्रीति बोरा तो जैसा कि आपको पता है कि मैं पॉलिटिकल थ्योरी कवर कर रही हूँ जिसमें मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं आप दो मिनट वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुके हैं तो लास्ट टॉपिक जो मैंने कवर किए थे वो लिबरलिज्म था और उसके फॉर्म्स और न्यो क्या होता है तो दोस्तों ऐसे ही मैं पॉलिटिकल कंसेप्ट कवर करती रहती इनफैक्ट मैंने इंडियन पॉलिटी का भी कोर्स बना रखा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए प्लीज प्रेस द बेल आइकन तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेटिज्म जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अपरिवर्तन वाद तो देखिये दोस्तों कंजर्वेटिज्म होता क्या है तो इन जनरल देखे तो कंजरवेटिज्म के दो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है पहली कि वो एक फिलोसफी है लेकिन ये जो फिलोसफी है वो किससे रिलेटेड है फर्स्ट डिफेंस ऑफ एन एस्टाब्लिश्ड ऑर्डर यानी कि जो ऑर्डर पहले से चलता आ रहा है वैसा ही चलना चाहिए इनके हिसाब से एंड अगर वो वैसा नहीं चलता तो उसका डिफेंस करो एंड उसको वैसे ही मेंटेन करो और दूसरा हो सकता है कि ये एक एटीट्यूड है यानी कि एक एटीट्यूड है एक वे ऑफ लाइफ है जीने का तरीका है कि वो डिफेंसिव स्ट्रेटेजी में आ जाते हैं ताकि जो स्टेटस को है वो मेंटेन रहे अब जिन लोगों को ये नहीं पता स्टेटस को क्या होता है तो स्टेटस को होता है कि जो पहले मेंटेन ऑर्डर है ना वैसा ही रहे जैसे कोर्ट में भी जब केसेस होते हैं तो बोलते हैं ना कि बैक टू स्टेटस को यानी कि जो पहले सिचुएशन थी उसी पे चले जाते हैं यानी कि बैक टू प्रीवियस सिचुएशन या फिर बैक टू लेवल ज़ीरो और दूसरा ये राइट रॉन्ग आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है क्योंकि जो इनको बेस करते हैं ना ये जो डिफेंस को उनका मेन इम्फेसिस ये होता है कि ये सही है ये गलत है इसलिए आप ये वाली पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी अपनाइए ये प्रेफर करते हैं कि लोगों को लिबर्टी मिले ओवर इक्वालिटी से मतलब इनकी जो प्रायोरिटी है ना वो इक्वालिटी से ज़्यादा लिबर्टी पे है चेंज को नहीं सपोर्ट करते बल्कि इनको है कि अपना ट्रेडिशन को आगे बढ़ाना है पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है बल्कि हिस्ट्री में है प्रेजेंट और फ्यूचर पे इतना फोकस नहीं होता फोकस होता है लेकिन जो जिस तरीके से होना चाहिए वो उनका हो गया कि जो पास्ट में स्टेब्लिश ऑर्डर जैसे मैंने बताया था और स्टेटस को है उसके हिसाब से चलना चाहिए और प्रूडेंट ओवर इनक्विजिटिव मैन इनक्विजिटिव मैन वो होता है कि जो अपने प्रेजेंट में या फ्यूचर में नई नई चीजें सीखने का प्रयत्न करे और प्रूडेंट होता है कि जो केयरिंग होता है एंड जो स्टैब्लिश ऑर्डर है या इस्ट कोई रूल्स हैं उनको केयरफुली फॉलो करें और इनको ऑर्डर्ड सोसाइटी चाहिए यानी कि लॉ एंड ऑर्डर चाहिए और जो सोसाइटी चेंज मांग रही है वो इनके अपोज में अब बात करते हैं एंड्रू हेवुट की एंड्रू हेवुट ने अपनी बुक पोलिटिकल आइडियोलॉजी लिखा था कि जो कंजर्वेटिव्स है ना उनको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि वो क्या अपोज करते हैं मतलब उनको ये पता है कि ये पर्टिकुलर ये सारी चीजें नहीं करनी है बट उनको ये नहीं पता कि उनको क्या करना है मतलब ये नहीं पता जैसे पास्ट है पास्ट की जो चीजें हैं सबको एकदम से क्लियर नहीं पता हो सकती और ये भी कह सकते हैं कि पास्ट की चीजें चेंज होती रहती है बिकॉज जो पास्ट में सिस्टम था रूल था वो उस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक वैलिड ना हो लेकिन स्टिल वो अपोज ज्यादा करते हैं राधा देन कि वो फेवर करें तो यही इनका जो बिलीफ है वो है अब ये बेस्ड है नेगेटिव फिलोसफी पे कैसे क्योंकि ये कहता है कि रेजिस्टेंस और एटलीस्ट वेरी सस्पिशन ऑफ चेंज यानी कि हमें जो चेंज है ना वो नहीं चाहिए हमें उससे बचना है उसे रेसिस्ट करना है और अगर जरा सा भी सस्पिशन होता है कि चेंज होने वाला है तो उसके बिल्कुल अपोजिट है तो इसलिए ये नेगेटिव फिलॉसफी है ये डिफेंस किस पे देते हैं स्टेटस को में जैसे मैंने अभी बताया और लोग हैं ना और जो लोग हैं वो कंजर्वेटिज्म को सपोर्ट भी करते हैं बाय रेसिस्टिंग चेंज यानी कि जो भी लोग कंजरवेटिज्म को सपोर्ट करते हैं वो उनके लिए सिर्फ इतना काफी है कि वो रेसिस्ट करे चेंज विदाउट एसोसिएटिंग विद कंजर्वेटिव पॉलिटिकल क्रीड यानी कि जरूरी नहीं है कि वो पॉलिटिक्स में घुसे बट जस्ट उसको अपोज करना चेंज को एक कंजर्वेटिव फिलोसफी के अंदर आ जाता है अब बात करते हैं हम ह्यूज सेरल की इनका मानना ये था कि जो कंजर्वेटिव है ना वो एक attitude है यानी कि दिमागी स्वभाव बोल सकते हैं दिमागी एटीट्यूड बोल सकते हैं या फिर एक अप्रोच है की या फिर way of life है यानी कि ये सारी जो बातें हैं ये हमने पहले से ही दिमाग में सोच रखी है अच्छा ये करना है हमें और आगे भी ये चलता जाएगा और इसका रीजन ये होता है कि लोग ना बहुत कॉशियस हो जाते हैं कि अगर सिस्टम चेंज हुआ तो सिचुएशन में भी अच्छी ना हो और इनका जो आर्ग्यूमेंट है ना उसको बेस करते हैं कि एक्सपीरियंस एंड रियलिटी पे यानी कि जब उन्होंने एक पर्टिकुलर सिचुएशन हैंडल की थी तो उनके एक्सपीरियंस क्या थे और रियलिटी क्या थी रादर देन एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स क्या हैं एब्स्ट्रैक्ट मैंने पहले भी बताया था जब पॉलिटिकल थ्योरी कवर की थी कि इट्स एन आइडिया और प्रिंसिपल मतलब इतना साइंटिफिक इतना नहीं जाते वो एक्सपीरियंस और रियालिटी पे रहते हैं सिंपल प्रेगमेटिज्म भी नहीं है प्रेगमेटिज्म का मतलब होता है प्रैक्टिकलिटी और अपॉर्चुनिज्म भी नहीं है कि बिल्कुल मतलब अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं कि अपना वो जो कल्चर है वो रिवाइव करना है नहीं बट एक्सपीरियंस एंड रियालिटी पे बेस्ड है ये पर्टिकुलर सेट ऑफ पोलिटिकल बिलीव में बिलीव करते हैं और जो कि रिलेटेड हैं ह्यूमन बींग से लेकिन के सोसाइटी जिसमें वो रह रहे हैं और जो उनकी पॉलिटिकल डिस्टिंक्टिव वैल्यू है उनसे रिलेटेड अब एंड्रू हेवुड ने ये भी कहा था कि जैसे लिबरलिज्म और सोशलिज्म भी एक आइडियोलॉजी है ना वैसे हम कंजरवेटिज्म को भी एक आइडियोलॉजी मानते हैं अब प्रिंसिपल ऑफ कंजरवेटिज्म क्या है तो ये है क्लिंटन रॉजिटर तो इन्होंने कुछ की प्रिंसिपल लिस्ट डाउन किए थे जो कि हर कंजरवेटिज्म के अंदर होते हैं वो है फर्स्ट कि एग्जिस्टेंस ऑफ अ यूनिवर्सल मॉरल ऑर्डर यानी कि मोरालिटी पे बहुत ज्यादा फोकस है कि एक मोरालिटी के ऐसे प्रिंसिपल जिसे यूनिवर्सली सब लोग माने और उन्हीं के बेसिस पे चले और जिसको कौन फॉलो करता है कि वो बिल्कुल एक पर्टिकुलर फॉर्म में सेंक्शन किए जाते हैं और सपोर्ट किए जाते हैं ऑर्गेनाइज रिलीजन से यानी कि रिलीजन विच इज ऑर्गेनाइज ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोरालिटी से रिलेटेड है और दूसरा ऑर्गेनाइज रिलीजन के द्वारा वो सैंक्शन और सपोर्ट किए जाते हैं कि जैसे कोई बोले कि अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए तो अगर उसके पीछे देखे तो एक तो हेल्थ हमारा बेनिफिट भी है और दूसरा मोरालिटी पे भी है बट वो जो भी डिसीजन होता है वो लिबर्टी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए मतलब आप ये सबको बता सकते हो लेकिन किसी को फोर्स नहीं कर सकते दूसरा ऑप्शिनेटली इम्परफेक्ट नेचर ऑप्स्टिनेटली होता है कि किसी चीज को अपोर्स करना जो मैन का नेचर है ऑफ अनरीजन एंड सिंफुलनेस की जो मैन का जो जनरल नेचर है ना वो अनरीजन मतलब उनको रीजनिंग इतनी नहीं आती और जो उनके सिन है वो भी सबको पता होते हैं लेकिन ये एक करटन के पर्दे के पीछे छुपा होता है सिविलाइज्ड बिहेवियर के यानी कि वो ये माना जाता है कंजर्वेटिव फिलासफी में जैसे बोलते नी अच्छे मतलब कि डिसेंट लगना चाहिए अब ये नहीं पता ना कि जो पर्टिकुलर पर्सन है वो डिसेंट है कि नहीं है बट अगर तुम सिविलाइज लगते हो सब कुछ अच्छे से बिहेव करते हो तो लगता है कि हाँ ये सिविलाइज है ये अच्छा है बट रियालिटी क्या है ये नहीं पता इनका मानना यह है कि जो मैन की नेचुरल इनक्वालिटी है वो मोस्ट ऑफ़ द क्वालिटीज़ होती है माइंड की या बॉडी की या उनके पर्सनल कैरेक्टर की तो जो नेसेसिटी है ना ऑफ सोशल क्लास और ऑर्डर वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है ताकि एक लेवलिंग फोर्स मिले फोर्स ऑफ लॉ ताकि एक ऑर्डर बना रहे देखिए ये जो रोल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना ये इसको सपोर्ट करते हैं बिकॉज ये लिबर्टी को प्रेफर करते हैं रादर देन इक्वालिटी और ये डिफेंस लेते हैं कि जो सोशल ऑर्डर है वो बना रहे क्योंकि इनका ये भी मानना है कि अगर हम प्राइवेट प्रॉपर्टी का अगर हम ट्रेडिशन में रोल देखे तो उसका ये रोल है कि वो हमें एक आइडेंटिटी की फीलिंग देती है हमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देती है एंड एक बोलते ना कि हमारी धरोहर है तो इस बेसिस पे ये इसको सपोर्ट करते हैं और देखो जो प्रोग्रेस है वो किसी को भी नहीं पता कि किस वे में आएगी तो इनका ये मानना है कि ये जो हमारे पहले से बनाए गए ऑर्डर्स एंड प्रिंसिपल्स हैं यही एक एकमात्र मतलब रास्ता है एकमात्र उपाय है कि जिसके द्वारा जो सोसाइटी है ना वो प्रोग्रेसिव हो सकती है और उनको प्रोग्रेस मिल सकती है तो मतलब ये इनके नोशन है दिमाग में नेक्स्ट बोलते हैं कि हमें जरूरत है एक रूलिंग और सर्विंग एरिस्टोक्रेसी की एरिस्टोक्रेसी जिसको नहीं पता तो एरिस्टोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें फर्स्ट की आप नोबेलिटी यानी कि जो शाही जो खून होता है या फिर आयर होते हैं उनसे रिलेटेड होती है और दूसरा इनमें सिस्टम ऑफ आर मतलब कि जो राजा उसका बेटा वगैरह उस पे बेस्ड होते हैं यानी कि जो नोबेलिटी है उससे रिलेटेड होते हैं और वो लोग जो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं फिर ये लिमिटेड इनकी सर्च होती है ह्यूमन रीजन पे यानी कि ये ज्यादा ह्यूमन रीजन पे इतना बिलीव नहीं करते बिकॉज इनका मानना है कि अगर ह्यूमन रीजनिंग करने लगेंगे तो फिर वो चेंज भी मांगेंगे और चेंज से ज्यादा इनको इम्पोर्टेंस देनी होती है ट्रेडिशन को जो पहले से इंस्टीट्यूशन है सिम्बल है रिचुअल्स है और इवन प्रिजिस हैं देखिए हमें पता है कि टैरनी ऑफ द मेजोरिटी रूल के क्या एडवांटेजेस हैं एंड क्या डिसएडवांटेजेस? हैं देखिए एडवांटेजेस ये होते हैं कि वो अपनी जो आइडेंटिटी है वो बना लेते हैं एंड कंसेंसस होता है कोऑपरेशन पे चलता है लेकिन डिसएडवांटेजेस ये हो सकते हैं कि वो फिर दूसरे माइनॉरिटीज़ पे ओवर पावर कर जाएं उनके नोशन नहीं समझे एंड कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो जाए तो जो फॉलिबिलिटी एंड पोटेंशियल है की और जो उसका डिजायरेबिलिटी ऑफ डिफ्यूजिंग कि वो मानते हैं कि मेजोरिटी रूल होना चाहिए और इसी से या हम डिफ्यूज कर सकते हैं या फिर लिमिट कर सकते हैं बैलेंस कर सकते हैं पॉलिटिकल पार यानी कि अगर हम जो हमारे नोशन है अगर हम पॉलिटिकली भी वो फॉलो करने लगे तो अगर पॉलिटिकल वे में किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी फॉलो हो रही है तो चांसेस ज्यादा है कि उनके फॉलोअर्स बढ़ेंगे एंड सोशल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन भी वैसे ही होगी फिर ये हैं रसल किर्क ठीक है तो इन्होंने बोला था कंजरवेटिज्म पे कि कंजरवेटिज्म एक फिलॉसफी है जो इंडिविजुअलिज्म को फॉलो करती है इंडिविजुअलिज्म मैंने पहले ही बताया था कि जिसका कंसर्न इंडिविजुअल पे होता है उनके वेरियस ऑटोनोमस जो स्टेप्स लेते हैं उस पे होता है और उनके क्या राइट्स हैं और क्या ड्यूटीज है उनपे होता है और साथ ही साथ कि वो सोसाइटी में एक दूसरे के राइट्स कैसे रिस्पेक्ट करते हैं ठीक है तो इनका मानना था कि जो इंडिविजुअल हैं वो ऑटोनॉमस हैं उनके इन इनएलियनेबल जो उनसे नहीं छीन सकते वैसे राइट्स हैं और उनकी स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज भी है जो कि हमें कहीं ना कहीं ट्रेडिशन में दिखाई पड़ती है फिर इनका क्या व्यू था इनका व्यू था कंजर्वेटिज्म में कि जो एसेंस है ना कंजर्वेटिज्म की यानी सिग्निफिकेंस है वो है कि प्रिजर्व करना है एंशियंट मॉरल ट्रेडिशन किसका ह्यूमैनिटी का बिकॉज अभी हम कुछ भी लॉ बनाते हैं कोई भी स्टेप लाते हैं पॉलिसी लाते हैं वो बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी यानी कि जनहित के लिए लाते हैं जो मानव हित है उसके लिए लाते हैं तो इनका मानना था कि एंड डैट फॉर द कंजर्वेटिव कस्टम कन्वेंशन कॉन्स्टिट्यूशन और प्रिस्क्रिप्शन ये सारी ऐसी रूट है फाइव सी इसका एक्रोनिम है फाइव सी फाइव सी फर्स्ट कंजर्वेटिज्म दूसरा कस्टम तीस, तीसरा कन्वेंशन चौथा कॉन्स्टिट्यूशन और मैंने प्रिस्क्रिप्शन का बना रखा है कि चेक कि किसी को हम चेकलिस्ट दे देते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन तो ये रूट्स हैं एक टॉलरेबल सोसाइटी की एंड टॉलरेबल सिविल सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ताकि कल्चरल डेवलपमेंट हो सके एंड अगर कल्चरल एंड बाकी अगर आप टॉलरेंस डेवलप कर लेते हो तो आपका जो ह्यूमन प्रोग्रेस है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है तो ये किसी भी नेशन की पार हो सकती है इन फेवर ऑफ़ लोकल राइट्स उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी या फिर उनकी हैबिट ऑफ लाइफ में प्रिजडिस इन फेवर ऑफ ओल्ड डिसेंसीज जो होती थी फैमिलीज रिलीजियस डॉगमास ये सब डॉगमास क्या होते हैं डॉगमास सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो किसी एक इंस्टीट्यूशन ने बोल सकते हैं जैसे रिलीजियस हो गया पॉलिटिकल हो गया साइंटिफिक डॉगमास हो गया मतलब कोई भी टाइप के होते हैं और कोई एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि माना जाता है कि ट्रू है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ट्रू हो सकते हैं बट माना जाता है कि ये ट्रू है एंड प्रिजडिज क्या होता है प्रिजडिज होते हैं कि हम पहले से ही दिमाग में जुडिशियल कोई डिसीजन ले लेते हैं जैसे कि अगर केस कोई चल रहा है फॉर एग्जाम्पल और अभी उसका डिसीजन भी नहीं आया लेकिन लोगों ने पहले ही सोच लिया कि अच्छा ये तो पक्का ही ये ये चोर है 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 या फिर इसने ही ही क्राइम कमिट किया है। तो ये होता है कि किसी को पहले से जज कर लेना उसे जाने बिना अब जो रसल के, उन्होंने सिक्स ऑफ रूल्स बनाती है सोसाइटी के लिए और हमारी कंसाइंस के लिए कंसाइंस होती है कि हमारी अंतरात्मा और सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं दूसरा की लव ऑफ वैरायटी एंड मिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस कि हमें पता है कि ये तो देखो नॉर्मल है कि वैरायटी है एंड मिस्ट्री है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस क्यों है तो इसको हमें फॉलो करना चाहिए एंड अपोजिंग जो नैरोइंग यूनिफॉर्मिटी होती है ना कि जैसे एक रूल्स बना के बोल दिया कि चलो सब यही फॉलो करेंगे नहीं हर जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है हर जो ह्यूमन बीइंग है उसकी जो एग्जिस्टेंस है उस पर मिस्ट्री है उस पर वेराइटी है तो ये जो नैरोइंग कर देते हैं हम यूनिफॉर्म लॉस के अंदर या फिर इगैलीटेरियनिज्म के अंदर हम इक्वल कर लेते हैं या फिर यूटिलिटेरियनिज्म होता है कि ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर उसमें क्या करते हैं हम कि सोचते हैं कि जो रूल सबके लिए सही है को खुशी देते हैं वो सही है चाहे वो राइट्स के अगेंस्ट क्यों ना हो तो ये सब नहीं होना चाहिए तीसरा इन्होंने बोला था कि जो अल्टीमेट इक्वालिटी है ना वो होती है गॉड की यानी कि भगवान की जो जजमेंट है उसमें एंड जो कोर्ट के सामने होती है वो ये रिकॉग्नाइज करते हैं लेकिन जो इक्वालिटी ऑफ कंडीशन है ना उनके लिए यही होती है उनके लिए उसका मतलब यही होता है कि इक्वालिटी एंड सर्व इक्वालिटी इन सर्विट्यूड सर्विट्यूड का मतलब होता है कि पोटेंशियल की कोई कितनी स्लेवरी कर सकता है कि मतलब इनका मानना है कि हर कोई ही है किसी ना किसी पॉइंट पे और दूसरा बोल्डम की बीइंग बोल्ड फिर चौथा इन्होंने बोला था कि जो फ्रीडम है आजादी और जो प्रोस्पेरिटी है वो बहुत ही ज्यादा इंटरकनेक्टेड है मतलब एक दूसरे से इनसेपरेबल है और एल्स अगर इनको सेपरेट कर देते हैं ना तो गवर्नमेंट मास्टर बन जाती है सारे ह्यूमन बींग्स की लाइफ को कंट्रोल करने में नेक्स्ट उन्होंने बोला था कि ये प्रिस्क्रिप्शन में फेथ रखते हैं कस्टम के लिए कन्वेंशन के लिए एंड ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन आर चेक्स अपॉन एनआरकी एंड मेन्स लस्ट फॉर पार तो इनके हिसाब से जो ह्यूमन की टेंडेंसी है ना कि उसको डिज़ायर है कि हाँ ज्यादा से ज्यादा पार चाहिए ये मैंने पार वाले चैप्टर में भी बहुत अच्छे से बता रखा है कि ह्यूमन डिज़ायर ऑफ़ पार ये सारी चीज़ें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं तो जो ओल्ड ट्रेडिशन है वो एक चेक रखते हैं कि कहीं अनार की तो नहीं हो रही तो जिनको नहीं पता अनार की होती है एक सिचुएशन जिसमें लोग कोई रूल्स ऑब ओबे नहीं करते ना कोई लॉज ओबे करते हैं और ऐसा भी होता है कि जिस स्टेट में कोई गवर्नमेंट नहीं होती उसको भी अनारकी बोलते हैं कि कोई अनारकी तो नहीं हो रही या फिर मैन ज्यादा पावर की तरफ तो नहीं भाग रहा तो ये ओल्ड जो ट्रेडिशन है कस्टम्स है ये उस पर एक चेक रखते हैं नेक्स्ट लास्ट इन्होंने बोला था जो सिक्स की सोसाइटी है ना वो प्रूडेंट चेंज कर सक उसका सोल बेसिस होना चाहिए सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए यानी कि जो ऑर्डर है उसको प्रिजर्व करने के लिए स्टेटस को के लिए और बहुत सोच समझ के साथ उठाया हुआ कदम होना चाहिए और जो स्टेटमेंट है ना वो चीफ वर्च्यू को मार्क करती है जो कि प्लेटो और बुरके ने बताई थी कि प्रूडेंस प्रूडेंस क्या होता है प्रूडेंस अभी मैंने आपको जस्ट बताया है कि प्रूडेंस क्या होता है तो आप ध्यान से अगर सुना होगा तो आपको समझ में आया होगा बाकी वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने पॉलिटिकल थ्योरी के तो कॉन्सेप्ट्स की वीडियो बना रखी है साथ के साथ मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी वीडियोस बना रखी है जिसमें 61 वन हैं काफ़ी सारे मैंने आर्टिकल वाइज सब कुछ मेंशन कर रखा है तो आप उसे रेफर कर सकते हैं सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही सही है वो क्योंकि शॉर्ट में आपके सारे आर्टिकल्स उसमें कवर हो रहे हैं उससे बेटर आपको नहीं मिलेगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर आप जरूर जरूर कीजिए तो दोस्तों थैंक यू हैव अ नाइस डे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय